नमस्कार, मैं गांव नाला जिला शामली की रहने वाली हूँ। मैं यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रही हूँ। मैं यहाँ के एक मिकोलाइव नाम के शहर में पढ़ती हूँ। मेरे साथ साथ यहाँ पर 300 से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो फंसे हुए हैं। हम सब बेसमेंट में रहते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम बाहर नहीं जा सकते हैं, ना ही हमारे पास कोई खाना या पानी की सुविधा है। इतने ज़्यादा बॉम्ब ब्लास्ट होने की वजह से हम घर भी नहीं आ पा रहे हैं। हमारे पास आने की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ के रेलवे स्टेशन वगैरह सब तबाह हो चुके हैं बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से। तो हमें समझ नहीं आ रहा है हम वापस कैसे आए। गवर्नमेंट हमारी हेल्प करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिस बॉर्डर पर हमें जाना है वो हमसे 1000 किलोमीटर दूर है, और हमें वहाँ तक जाने के लिए कम से कम 12 घंटे लगेंगे। हम चाहते हैं प्लीज़ हमारी ट्रांसपोर्ट में सहायता करें यहाँ से, क्योंकि रेलवे स्टेशन वगैरह सब तबाह हो चुके हैं, तो हम नहीं जा पा रहे हैं। हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी हमें यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि हमारे पास खाने रहने के लिए कुछ भी अब सुविधा नहीं है। हम एक बेसमेंट में रहते हैं पूरा पूरा दिन, जहाँ पर ना सिर्फ बैठने की जगह है, वहाँ पर टॉयलेट की भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, और ना ही हमारे पास इतना खाने के लिए बचा है कि हम वहाँ पर सरवाइव कर पाए। तो आप सबसे गुजारिश है कि कृपया करके आप हमारी मदद करें। गवर्नमेंट से हम यही चाहते हैं कि प्लीज़ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल कराएं। मेरा एड्रेस है मिकोलाइव, ये एक सिटी है यूक्रेन की। तो प्लीज़ आप सब हमारी मदद करें, प्लीज़।